हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएटी का पेपर। ये रिसेंटली अभी 5 जून को जो हुआ है वही है। इसमें बायोलॉजी सेक्शन की बात करेंगे हम लोग। इसमें सिर्फ 121 क्वेश्चन है। फोटो रेस्पिरेशन ऑल्सो नॉन एज, इसका आंसर है C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट पाथवे। एंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड टिश्यू कंपोज ऑफ, इसका आंसर है 2 मैटरनल एंड 1 पैटरनल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। विच ऑफ द एलिमेंट आर नॉट कॉल्ड एज मेजर एलिमेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो इसका आंसर है बी, आयरन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू द बैक्टीरिया क्लास ऑफ, इसका आंसर है बी, मोलिक्यूट्स। 125 है डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक कंडीशन रिफर्स टू, इसका आंसर होगा सभी में हो गई है ऑल ऑफ दिस। 126 है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, इसका आंसर होगा 26 जून, मतलब अभी आने वाले जून को हो गई है। 127 है द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स, नेमली क्रेनियल फेशियल बोन, दैट टोटल टू 22 बोन्स, मतलब क्रेनियल में होता है 8 बोन और फेशियल में होता है 14 बोन, तो टोटल हो जाएगा 22 बोन्स। 128 क्वेश्चन है द मेनली टाइप ऑफ स्मोकिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा स्मोक। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। राइबोसोम आर फॉर्म बाई, तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोलस। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम एंड कंजर्व, इसका आंसर आएगा 1 हॉर्न राइनो। 132 क्वेश्चन है इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन का प्रीकर्सर कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा C1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको शॉर्ट में ACC बोलते हैं। 133 आ जाएगा द ग्रेमोक्सोन मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये इनहिबिटर किसका है, तो इसका आंसर आएगा ए, फोटो सिस्टम फर्स्ट इनहिबिटर। 134 है द सीलिया इन प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। 135 इसका है क्वेश्चन द अपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसका आंसर आ जाएगा पोटोमीटर। 136 क्वेश्चन है स्पायरोगायरा हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द, मतलब मल्टीसेलुलर भी है, फिलामेंटस है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल, ये भी है। इच फिलामेंट इज अनब्रांच, अनब्रांच होता है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। द टर्म लाइफ बिगेस्ट लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम, इसका आंसर है बायोजेनेसिस थ्योरी। द स्पर्म हेड कंटेन द इलोंगेट हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम होता है। आपने स्पर्म तो देखा ही होगा स्ट्रक्चर, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो किसके साथ होता है, तो एक्रोसोम। उसके बाद 139 क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन एट प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया डेमसेल बिकॉज, क्यों किल नहीं करता बैक्टीरिया को, क्योंकि उसमें टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसका आंसर आएगा सी। द डैश नोमेनक्लेचर वॉज प्रपोज बाई हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड, इसका आंसर आएगा ट्राइनोमल। 141 है वस्कुलर बंडल कंज्वाइंट ओपन एंड विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम प्रेजेंट इन, इसका आंसर आ जाएगा डाइकोटाइलेडोनस स्टेम। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, इसका आंसर आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग क्रोमोसोम XXY, तो हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें होता है 44+XXY। अब इसमें देखते हैं द थायरॉइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। 145 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ऑफ MN इज एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन रिवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस। 146 है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, इसका आंसर होगा मिजोसोम। 147 है फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन। 148 देखते हैं बायनोमियल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, आंसर ए। 149 मार्शल नीरेनबर्ग वॉन द नोबल प्राइज इन 1968 अलॉन्ग विथ रॉबर्ट डब्ल्यू हॉले एंड हर गोविंद खुराना फॉर डिस्फिरिंग द जेनेटिक कोड,
मतलब आंसर सी 150 का आंसर हो जाएगा डी, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है। 151 इसका क्वेश्चन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज फ्लेवर इनहेंसर इन, तो आंसर होगा फूड इंडस्ट्री। 152 है इन सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन ड्यूरिंग एस फेज। 143 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज टू बी प्रिकर्सर ऑफ फ्लोरीजन, इसका आंसर आएगा जिब्रेलिन्स। 154 है प्लाज्मोडास्माटा आर फॉर्म अराउंड एलिमेंट ऑफ, तो न्यूक्लियस के चारों ओर बनाता है न्यूक्लियस, मतलब 144 का ए। 155 का नॉन स्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया आर, ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर इज, इसका आंसर हो जाएगा 156 का सी स्लो ग्रोथ। 157 है पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोमीज, तो ये होता है कलर इन ब्लू, मतलब ब्लू कलर का होता है। 158 है ड्यूरिंग माइटोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड ऑफ एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। 159 है इच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन, तो इसका आंसर होगा 46 क्रोमोसोम। टू बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू आर, इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। 161 है एब्सिसिक एसिड ABA इज नॉट इन्वॉल्व इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रूट रैपनिंग एंड डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स इज। 162 द वाइल्ड लाइफ एक्ट इन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज 1972। 163 है ए फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ DNA सीक्वेंस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, इसका आंसर है ए म्यूटेशन। 164 है STD दैट कैन बी प्रिवेलेंट बाई वैक्सीन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी HPV, मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों जो होता है STD डिसीज है और इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। 165 साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन फाउंड इन, तो ये होता है प्लांट, कौन से प्लांट में होता है, पालक में। 166 है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज डिवॉइड ऑफ DNA बट कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, तो सेंट्रियोल में कोई DNA नहीं होता लेकिन इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, तो आंसर है 166 का ए। 167 है स्ट्रोमा ओपन एट नाइट, नाइट में स्ट्रोमा कहाँ कौन से प्लांट में ओपन होते हैं, तो आंसर है ए CAM प्लांट। 168 है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन ओनली इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, मतलब ऑक्सीजन हो चाहे ना हो उसको कोई मतलब नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। 169 है द कोकून्स ऑफ द लार्वा ऑफ द मलबेरी सिल्क वर्म, इसका आंसर हो जाएगा बोम्बाइक्स मोराई। अरे भाई तुम ही सोचो, मलबेरी कोई होता है क्या, कोकून ये कोई साइंटिफिक नाम लग रहा है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बोम्बाइक्स मोराई। 170 है द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन टू एन आउटर लेयर कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा डी ट्रोफोब्लास्ट। 171 है यूनिवर्सल रिसिपिएंट आर पर्सन विद ब्लड ग्रुप, इसका आंसर हो जाएगा 171 का बी, मतलब ए बी। 172 ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी माइक्रोफाइबिल एंड फिलामेंट। 173 है द शेप ऑफ द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन वेयर इट इज, इसमें ग्रोइंग भी होगा स्टेबल भी और डिक्लाइन भी होगा, मतलब 178 का हो जाएगा डी। इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन इट डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एन टी प्लस वन बराबर एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। 175 है रोल ऑफ एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। 176 है कॉमन क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड आर, कॉमन क्या होता है, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। 177 है मोनोकॉट हैव वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा क्लोज टाइप का सिस्टम, मतलब इसमें वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता। 178 द वेक्टर ऑफ छगस डिसीज कॉज इन ह्यूमन, ये किससे होता है, ट्रिपनोसोमा से होता है।
179 देखते हैं। ईच किडनी हैव नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। 180 है द विटामिन B1 इज कॉल्ड थियामिन। 181 है डार्क पीरियड इज क्रिटिकल इन शॉर्ट डे प्लांट। आंसर हो जाएगा B। 182 है द ब्रेन कैन बी डिवाइड इंटू 3 फॉलोइंग मेजर पार्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा C, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 183 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ए स्पेसिफिक बाय यूजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा A, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। 184 है कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा C, सिग्नल ट्रांसड्यूट पाथवे सेकेंड मैसेंजर। 185 है सिल्क प्रोडक्ट इन इंडिया। तो यहाँ तीनों स्टेट मतलब तीनों जगहों से होता है ऑल ऑफ दिस। 186 है इसका आंसर हो जाएगा A। 187 द विनाइल क्लोराइड कॉज, इसका आंसर हो जाएगा लीवर कैंसर। 188 है बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर, इसका आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ दिस। 189 है जेनेटिकली मॉडिफाइड GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन, तो इसका आंसर हो जाएगा D, सब में हेल्पफुल है। 190 है इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन और ब्लैक मैस रिएक्शन इज। 190 इसका आंसर हो जाएगा C, एंजाइमेटिक एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। 191 है द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन सेल, पहले बताया था मैं साइटोप्लाज्म, इसका आंसर होगा। 192 है HIV डिस्ट्रॉय सेल, तो इसका आंसर होगा D, CD4H सेल। 193 है द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टेन कवर्ड पार्शली बाई मेम्ब्रेन कॉल, इसका आंसर हो जाएगा D। 194 है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 194 का A, सेल वॉल। 195 है प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन अकर्स थ्रू, तो इसका 195 का हो जाएगा C, बाइनरी फ्यूजन। 196 है द एम्ब्रियो सैक ऑल्सो नोन एज, तो 196 का आंसर हो जाएगा C, फीमेल गैमेटोफाइट। 197 है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा इमाइग्रेशन। 197 का B। 198 रूबिस्को इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन, इसका आंसर हो जाएगा 198 का B। 199 है सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल आर फाउंड इन, तो 199 का हो जाएगा C, बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 200 है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मॉडर्न मैमल्स राइजेस, इसका आंसर हो जाएगा म्योसिन। तो थैंक यू दोस्तों, ये हुआ आपके बायोलॉजी का पेपर। केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।